ये देखिए आज ने बनाई है फ्राइड राइस रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप इसके आगे बिरयानी को भी भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी है। इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है चावल। आप किसी भी नॉर्मल चावल का यूज़ कर सकते हैं। हमने भी नॉर्मल चावल यूज़ किया है जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं। और हमने लिया है 1 कप फ्रेश मटर और 3 अंडे। और हमने लिया है कुछ सब्जियां जिसमें है शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, बंधा गोभी और प्याज। अगर आपके पास इन सभी सब्जियों में कुछ अवेलेबल नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप जिस कप या ग्लास से मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने 1 ग्लास चावल लिया है तो आप 2 ग्लास पानी दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। आप चावल बनाने से पहले आधा घंटा उसे पानी में ज़रूर भिगो कर रखें क्योंकि उससे वो बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और हम इसमें 2 से 3 विसल लगने देंगे। तो ये देखिए इसमें 3 विसल लग चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें गैस को इसी तरह से रिलीज होने देंगे। तो ये देखिए इसमें से गैस अच्छी तरह से रिलीज हो चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए चावल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अंडे को ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे गोलकी पाउडर, थोड़ा सा नमक और अब हम इसे स्टर करेंगे। हम एक को स्क्रैम्बल्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए स्क्रैम्बल्ड एक रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है और हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जिसे हमने चॉप्ड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए इसे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मटर। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी चीजों को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए सभी सब्जियां भून कर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये देखिए चावल कितना अच्छी तरह से दाना दाना होके पका है। अगर आप इस तरह से फ्राई राइस बनाएंगे तो बिरयानी को भी भूल जाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी होती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अंडे को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे देख ही कर मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा है देखकर ये रेसिपी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रही है। आप इसके आगे बिरयानी भी भूल जाएंगे।
एक बार जरूर आप ट्राई करें अपने घर पे। तो ये देखिए फ्राई राइस रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसके आगे बिरयानी भी भूल जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप इसे डिनर में भी ले जा सकते हैं या फिर लंच में भी ले जा सकते हैं और आप इसे घर पर भी खा सकते हैं। इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।